हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो खास करके इसलिए है कि एक मैकेनिज्म है, मेरे को बहुत कमेंट आए हैं, जो संत गोरा कुमार रहता है विठोबा का भक्त, उसका जो मैकेनिज्म है, जो उसके पैर हिलते हैं, जो माटी में काम करता है, मिट्टी में काम करता है, उसका मैकेनिज्म के लिए बहुत से कॉल आए हैं और वो मैकेनिज्म मैं अभी बना के तो वीडियो नहीं निकाल सकता, तो आज मैं आपको ब्लैक बोर्ड पर एक्सप्लेन करूँगा, थोड़ा ध्यान से देखिए। ऐसा एक आपको लंबा सा पाइप लेना है, पाइप मतलब एक हाफ इंच का, एक इंच का भी पाइप ले सकते हैं ताकि स्ट्रक्चर थोड़ा स्ट्रांग हो। नीचे इसको एक बेस पे उसको फिट करना है, बेस पे मेटल का प्लेट लेके उसको वेल्डिंग मार के ऐसा फिट करना है ताकि वो स्ट्रांग रहे और एक खड़ा रहे। बाद में ये पाइप को यहाँ पे, थोड़ा लंबा पाइप चाहिए हमको, तो यहाँ पे एक ऐसा सरिया वेल्डिंग से फिक्स करना होगा। ये शोल्डर हो गया और ये अभी जो है कमर का है, ये शोल्डर हो गया, एक कमर का है। शोल्डर पे यहाँ पे ऐसे हाथ आएंगे इसके, ये कमर का हो गया, इधर वेल्डिंग मार्क है। तो अभी क्या करना है आपको, ये मैं अभी वाइप कर देता हूँ, तो अभी क्या करना है, जो कमर का है रॉड, इसको एक ऐसा सरिया लेना है आपको, मतलब बेंडिंग वायर, जो 6 mm रॉड ले सकते हैं अगर वेल्डिंग का काम कर रहे हो तो, पैर का है। इसको यहाँ पे एक ऐसा राउंड कुछ लेके इसको ऐसा ऐसा मूवमेंट होता है, ऐसा इधर फ्री करना है इसको, वो आपके टेक्निक से आप करो। ये सिंपल सा मैकेनिज्म मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रॉड इधर फिक्स आ जाएगा, इधर ऐसा फिक्स आ जाएगा और ये इधर, ये रॉड जो है इसका एंड है, ये दूसरा रॉड इधर ऐसे आपको रिंग डाल के इसको ऐसा फ्री जैसा मूवमेंट हो, देखो ऐसा मूवमेंट हो, ऐसे आपको इधर ऐसा फिट करना होगा रिंग के हेल्प से, कोई भी रिंग नहीं तो नट लेके, और यहाँ पर भी ऐसा ही, ऐसा नट लेके नहीं तो कुछ रिंग लेके दूसरा रॉड आपको उसी तरह से फिक्स करना है। मतलब ये जो रॉड है, ये और ये रॉड के बीच में मूवमेंट रहना चाहिए ताकि ऐसा ऐसा हो, फ्री रहना चाहिए दोनों, यहाँ पे भी ऐसा ऐसा फ्री होना चाहिए। आपके आइडिया से आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए, यहाँ पे भी फ्री मूवमेंट होना चाहिए। मतलब अभी आप ऐसे हाथ से हिलाएंगे तो ये भी मूव होना चाहिए, ये भी मूव होना चाहिए, इधर मोटर किधर भी नहीं है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे ये पाइप के पीछे नहीं तो आगे भी कर सकते हैं, एक ऐसा रॉड आपको इधर, एक 6 inch का रॉड ले सकते हैं, ये अगर 8 inch का है, ये अगर 8 inch का है तो ये आप 5 inch का लीजिएगा, 5 inch का ऐसा रॉड, इसको वेल्डिंग नहीं मानना चाहिए, ये रॉड भी इधर ऐसा फ्री होना चाहिए, ये वाले पाइप में ये रॉड इधर फ्री होना चाहिए, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा और इस डायरेक्शन में भी हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे, तो कुछ भी लेके, मतलब एक नट बोल्ट लेके, कुछ भी लेके ये रॉड को इधर फ्री मूवमेंट हो, ऐसे ऐसे वैसे आपको इसको इधर फिट करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इधर नीचे आपको मोटर कनेक्ट करना है, और मोटर का जो लीवर रहेगा, तो इधर एक साइड में इसको कनेक्ट करना है, मोटर का लीवर, तो जब मोटर घूमेगा ऐसे स्लो, ऐसा मोटर घूमेगा तो ये रॉड ऐसे और ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो जाएगा, तो ये जब मोटर मूव हो जाएगा इस डायरेक्शन में, कौन से भी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, तो ये रॉड है ना वो ऐसे ऐसे मूव हो जाएगा, ऐसे 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 मूव हो जाएगा, तो इस ये रॉड का बाद में इधर ऐसा ही रिंग डाल के इसका कनेक्शन ये पैर को इधर देना है आपको, और इसका कनेक्शन ये पैर को इधर देना है, तो
तो क्या हो जाएगा, जब मोटर स्टार्ट हो जाएगा तो एक भी ए जो रॉड है, तो जब ये ऐसा हो जाएगा तो ए वाला जो पैर है वो इधर आ जाएगा ऐसा, और जब ऐसा हो जाएगा तो ए वाला पैर ऐसा हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों पैर ऐसे लेफ्ट राइट करके मूव हो जाएंगे। नीचे वाला जो पैर है, मतलब अपने अपने घुटनों से नीचे वाला जो पैर है, इसको इधर वेट डालना है आपको, इधर वेट डालना है मेटल का कुछ भी दोनों तरफ वेट डालना है, ताकि ये वाले जो पैर है वो नीचे ही ऐसे रहे और इधर फ्री रहेगा। याद ध्यान में रखिएगा, इधर इसका जो घुटने का है उधर फ्री रहेगा, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये पैर भी ऐसा 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 हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये मैकेनिज़्म आपके समझ में आ चुका होगा, और अभी मेरे पास टाइम भी नहीं है मैकेनिज़्म करके आपको सिखाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत हैं, चलचित्र के ऑर्डर्स बहुत हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।